अच्छा पी आर को पीछे है कौन हमारे मोबाइल दूसरे नहीं पा रहा हूँ सबने सुना गाना भाई गाने बहुत कम है सुना है पक्का पक्का सुना है भाई के लिए पहले से सुना हमारा पहला गाना साथ में बहुत सारा प्यार देना पहला वन ऑफ द वेरी वन ऑफ द मेनी अभी और भी आने वाले तो फर्स्ट फ्लोर पे चल रही हो इसलिए फर्स्ट फ्लोर पे चल रही है साथ के साथ भाई सेंटर में किच टेबल किच आगे क्या रहा भाई पति भाई इधर बात तो बाद में करेगा आप लोग सेंटर में आइए भाई थोड़ा और इधर सेंटर लोग सेंटर कवर करेंगे ना करियो ना करें ना फ्री ऑफ के प्रोडक्शन है हमें जा रही क्या बात चंदू भाई वो से क्या क्या कर रहे हो एक फोटो ले लीजिए पता नहीं बोल रहा है हर सुंदर चीज को दूसरे सुंदर माइक करते हैं रुको यार तुमको एक मिनट का वीडियो पूरा करना है दिन चढ़ गया मक्खी बैठ गई आगे सर पे बताओ यार ये दिन चढ़ तो दिन चढ़ रहा मतलब कि मुझे जो लगता है कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग क्योंकि दिन चढ़ गया तो मतलब सब अच्छा हो गया सब सही हो गया बहुत ही प्यारा एंड सॉन्ग रिलीज होने के पहले भी एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज ऐसे थोड़ी सी ग्लिम्प्स डाल देते ना तो उनको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी एंड अरे बाप रे और अभी जब सॉन्ग रिलीज़ हो गया है तो सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड दे लाइकिंग आवर केमिस्ट्री और काफ़ी प्यारा रिस्पॉन्स है जैसा हमें चाहिए उससे भी बढ़िया है तो थैंक यू सो मच फॉर दैट यू आर द हिट मशीन अरे भाई गाने हो ओटीटी हो या भी कोई भी शो हो नागी हो या फिर खतरों के खिलाड़ी सब में आप टॉप हो इस गाने को लेके किस तरह के रिस्पॉन्स मिले भाई गाना बहुत अच्छा है एंड अमूल्य को देख के एक्चुअली में सबको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो बिल्कुल जो कॉलेज का जो स्टोरी दिखाई है वो खुद भी बिल्कुल कॉलेज है भी कॉलेज की और लगती भी कॉलेज की हैं और बहुत फ्रेश हैं एकदम मार्केट में शी इज़ वेरी लाइक इन्फ्लुएंसर है बहुत इन्फ्लुएंशियल भी हैं बहुत इन्फ्लुएंसर हैं ये बहुत अच्छी इनकी फॉलोइंग है बट इनको वीडियो में देख के लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है आई बिलीव क्योंकि शी इज़ लुकिंग वेरी क्यूट वेरी टच वुड माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं एंड मेरे साथ मुझे लगता है मैं भी शायद थोड़ा अच्छा लग रहा हूँ तो इसलिए अच्छे लग रहे हैं नहीं लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है गाना इसलिए सो या भाई फ्रेंडशिप तब बड़ी होती है जब फ्रेंडशिप में लव होता है तो लव तो होना ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो बाप भाई बाप बेटे का रिश्ता हो भाई भाई का रिश्ता हो बहन भाई का रिश्ता हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो प्यार होना बहुत ज़रूरी है तो एंड में था भाई पार्टी में एंड में था फेयरवेल पार्टी तुम क्या बात कर रहे हो स्टार्टिंग में वो ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तुमने देखा है भाई स्टार्टिंग में था ना फेयरवेल पार्टी का वो बैनर वो हां प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें वो बैनर था अच्छा तुमने वही देखा है फिर कितनी यादें ताजा हुई कॉलेज रोमांस की कॉलेज में तो ताजा क्या यादें चल रही है भाई इनकी ताजा तो मेरी हुई है यादें यस
कोई ऐसी बातें जो कॉलेज की, कॉलेज रोमांस की? कॉलेज की यादें से ताज़ा नहीं हुई है, मैं खुद अभी कॉलेज में हूँ और फेयरवेल तो मेरे दिल पे चुभता है ना। मुझे स्कूल में मिला था बिकॉज लॉकडाउन हो गया, ना मुझे फ्रेशर्स पार्टी मिली है, जो फेयरवेल था मेरा गाने में था। अभी फेयरवेल लेना ज़रूरी है क्योंकि पास होके फेयरवेल लेना है ना, अच्छे नंबरों से। अच्छी अच्छी है पढ़ाई में, ऐसी बात नहीं है। भाई मैं तो कॉलेज में घुसते ही मेरे को तो पूरा कॉलेज याद आ गया मेरा यार, मैं तो पूरा कॉलेज लाइफ याद आ गई इतनी। मैं कॉलेज में मैंने इतनी क्या बताऊँ, क्या बातें, क्या 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 किया है कॉलेज में यार, सब याद आ गया पूरा सब। जो बता दी ना अगर तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी भाई यहाँ से मेरे को, तो इसलिए मैं बताऊँगा नहीं। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप दोनों से आपसे शुरुआत करूँगा, कि किस तरह की एंजॉयमेंट की कोई ऐसी मूवमेंट ऑन द सेट जो आप शेयर करने होंगी प्रतीक की? हमारे हम काफ़ी बताए प्रतीक, काफ़ी यादें ताज़ा करते हैं सेट पे, आपकी कोई ऐसी यादें? मुझे ये है कि कॉलेज में जाकर कॉलेज के सभी बच्चों से मैं मिली ना, वैसे बहुत बहुत सारे थे, और क्योंकि वो लोग हॉस्टल से ऐसे कभी घर आ रहे थे तो उनके साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सबसे बुरी बात मेरी और प्यारी बात उनकी ये लगी कि जब मैं अंदर वैनिटी में रेडी हो रही थी तो दे वर वेटिंग आउटसाइड फॉर ऑलमोस्ट हाफ आवर 45 मिनट्स या 1 आवर तो किया होगा वेट की, नहीं हम जाएंगे अभी, बट मैं रेडी हो रही थी, मैं जा नहीं सकती थी बाहर। तो ये बात मेरे को मेरी पूरी लगी, उनकी बहुत क्यूट लगी, बट उन सबसे मिलके बहुत अच्छा। सपोज अगर वो शूट इनके कॉलेज में हो रहा होता और इनके पेपर चल रहे होते और पेपरों के बीच में टीचर बुलाने आ जाती कि शूट के बीच में, सोचो कि पेपर देने आओ पहले फिर शूट करना, सोचो कितना मजा आता है। अलग अलग सिनेरियो है। नहीं कॉलेज में ही शूट हुआ, लाइव लोकेशन थी, बच्चे भी घूम रहे थे अंदर सारे, सब कुछ थे, स्टूडेंट्स वगैरह एवरीथिंग, और बहुत मजा आ रहा था देख के। मतलब भाई बस टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि अब एक इंसान बहुत सारी जगह पे हो सकता है, तो मैं अभी साउथ अफ्रीका में भी हूँ, मैं गाना भी शूट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे भी हूँ। नहीं मजाक कर रहा हूँ, एक्चुअली पता क्या हुआ कि खतरों के खिलाड़ी की शूट तो पहले खत्म हो गई, उसको तो आई थिंक 2 महीने हो गए खत्म हुए हुए, एंड ये जो सॉन्ग मैंने शूट किया है ये नागिन से पहले था, अभी नागिन की शूट चल रही है, तो उसके बीच में दिन एक दिन का भी टाइम मिलता है तो मैं कोई भी कुछ ना कुछ शूट कर लेता हूँ ताकि वो पूरा हो जाए। जैसे आज मेरे को टाइम मिला है अभी जैसे कुछ घंटों का, तो मैं ये पूरा करके फिर मेरे को ऐसे अब यही होता है, फिर ऐसे करना पड़ता है यार बस। लेकिन शुक्र है यार इसी लाइफ के लिए हमेशा भगवान के आगे हाथ जोड़े हैं और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। आप कुछ बताना चाहोगे? आपने देखा इनका बिग बॉस की जर्नी, खतरों की जर्नी देखा तुमने? और क्या आपने देखा सबसे अच्छी बात क्या लगती है प्रतीक, एज एन एक्टर, एज एन एक्टर, एज ए स्टार, सबसे अच्छी बात क्या लगती है? ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, अपने काम के लिए बहुत डिवोशन, मतलब अपना काम है बहुत डिवोशन से करते हैं, तो वो चीज़ मुझे इनकी अच्छी लगी और मैं पॉइंट पिक करना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करूँ अच्छे से। अरे हाथ लो भाई, फोटो ले रहा हूँ, थोड़ा पीछे आ रहे हो भाई, ये सामने सही बात है सभी, थोड़ा से करते हैं वो बैक बात अच्छा। और राइट कर करके कई बार मत फ्रेम से मत आउट करवा रहा हूँ, ये सारे वहाँ खड़े हैं नहीं वो खड़े पीछे बैठा रहा हूँ क्या रहा है ये एक्चुअली खतरा खतरा में हो रहा एक सेगमेंट था तो उन्होंने राइट राइट करते करते फ्रेम से आउट करवा दिया भाई हमें तो कुछ स्पेशल ऐसा है नहीं, ये देखिए ये अच्छी लग रही है बहुत, उसके ऊपर फोकस करो। मैं तो वैसे ही घूमते रहता हूँ, वैसे ही शाम को भी मिल जाऊंगा यहीं पे घूमता वैसे ही। मैं ना जा